बंदिश हम गाते हैं तालों में, तो कई बार होता है ताल की बहुत प्रॉब्लम होती है, ताल टूट जाता है। जो लोग थोड़ा सा सीख चुके हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बने रहिए मेरे साथ, लास्ट तक वीडियो जरूर दिखेगा। पहले तो अगर आप तानपुरे पे गाते हैं तो तानपुरा लगा लीजिए, सी शॉर्प, ये जो भी आपका स्केल है। और इसके बाद ये अगर आप तानपुरा नहीं गाते हैं, हारमोनियम पे ही गाते हैं, तो हारमोनियम ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ताल पे कर रहा हूँ। दिन दिन धागे तिरकट तो ना कत्ता, धागे तिरकट देना। दिन दिन धागे तिरकट तो ना कत्ता, धागे तिरकट तो ना। ये इसके बोल है। अब इसको हम आरोह अवरोह यानी कि सास आरोह और अवरोह में सातों स्वर पे इसका रियाज करेंगे। तो स्वर का भी रियाज होगा और तबले के बोल भी आपको याद हो जाएंगे और लय भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो हम पहले सा से स्टार्ट करते हैं। दिन दिन धागे तिरकट तो ना कत्ता, धागे तिरकट देना। दिन दिन धागे तिरकट तो ना कत्ता, धागे तिरकट देना। दिन दिन धागे तिरकट तो ना कत्ता, धागे तिरकट देना। दिन दिन धागे तिरकट तो ना कत्ता, धागे तिरकट देना। दिन दिन धागे तिरकट तो ना कत्ता, धागे तिरकट देना। दिन दिन धागे तिरकट तो ना कत्ता, धागे तिरकट देना। दिन दिन धागे तिरकट तो ना कत्ता, धागे तिरकट देना। दिन दिन धागे तिरकट तो ना कत्ता, धागे तिरकट देना। दिन दिन धागे तिरकट तो ना कत्ता, धागे तिरकट देना। दिन दिन धागे तिरकट तो ना कत्ता, धागे तिरकट देना। दिन दिन धागे तिरकट तो ना कत्ता, धागे तिरकट देना। दिन दिन धागे तिरकट तो ना कत्ता, धागे तिरकट देना। दिन दिन धागे तिरकट तो ना कत्ता, धागे तिरकट देना। दिन दिन धागे तिरकट तो ना कत्ता, धागे तिरकट देना। दिन दिन धागे तिरकट तो ना कत्ता, धागे तिरकट देना। दिन दिन धागे तिरकट तो ना कत्ता, धागे तिरकट देना। दिन दिन इसमें स्वर भी चल रहे हैं और स्वर के साथ साथ ताल के बोल भी चल रहे हैं। अगर आपको लय ज़्यादा लग रही है, लय आपका अपने कंट्रोल में होना चाहिए। अगर आप इस लय में नहीं गा पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो आप स्लो रिदम कर लीजिए, यानी कि लय कम कर दीजिए। ठीक है, स्वर नहीं लग रहे हैं तो आप हारमोनियम के साथ साथ गाएं। इसी तरह से दूसरे तालों का भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक का बटन जरूर दबाएं, जो कि फ्री में है, एक पैसा नहीं पड़ेगा आपका। कम से कम अगर आपको कोई ज्ञान मिल रहा है तो उसका पैसा नहीं पड़ रहा है, तो आप प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और कमेंट्स करें। क्या ये आपको पता था, ये रियाज करने का तरीका आपको पता था और नहीं पता था, तो आप इसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा है, मिल रहा है आपको, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच।